आज हम बनाएंगे डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। इसके लिए हमें पहले चाहिए एक 555 टाइमर आईसी। उस आईसी को पहले ब्लैंक पीस में फिट कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद 555 टाइमर आईसी का 2 नंबर पिन के साथ 6 नंबर पिन को ज्वाइन करेंगे और 4 नंबर पिन के साथ 8 नंबर पिन को ज्वाइन कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक वेरिएबल रजिस्टर। मैंने यहाँ पर 1 किलो ओम का वेरिएबल रजिस्टर लिया है। आप चाहे तो 10 किलो ओम का वेरिएबल रजिस्टर लगा सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पा सके और सबसे पहले देख सके। अगर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक कैपेसिटर। इसका वोल्ट है 25 वोल्ट और 22 माइक्रोफैराड। आप चाहे तो अलग इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। मैंने यहाँ पर सिंपली यूज किया है इसको टेस्टिंग के तौर पर। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक मोसफेट जो कि है IRF Z44N। वेरी पॉपुलर मोसफेट है, आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। तो इस मोसफेट को हम पीसीबी में लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसके बदले ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोसफेट यूज किया है। मोसफेट अच्छा काम करता है इसलिए मैंने यहाँ पर मोसफेट लिया है। आप चाहे तो ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक कॉयल जो कि 10 ओम से 15 ओम तक होगा। इस कॉयल को आप किसी भी पुराने CFL बोर्ड से निकाल सकते हैं। सभी CFL बोर्ड में ये अवेलेबल रहता है तो वहाँ से निकाल लीजिए। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक डायोड। मैंने यहाँ पर 1N4007 का डायोड यूज किया है। आप चाहे तो शॉटकी डायोड भी यूज कर सकते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। मैंने यहाँ पर 1N4007 का डायोड यूज किया है टेस्टिंग के तौर पर। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक कैपेसिटर जो कि है 63 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड। मैं इस कैपेसिटर को टेस्टिंग के तौर पर लगा रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर देंगे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। सारे कंपोनेंट लगाने के बाद सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा था। तो सारे वायर्स को सोल्डर कर लेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे। उसके बाद बैटरी इनपुट वायर्स को लगा लेते हैं। आप इस सर्किट को 3.7 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट के बैटरी से चला सकते हैं। इस सर्किट को बनाने के बाद मैंने टेस्ट किया था लेकिन वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कैपेसिटर था उसको चेंज किया है और इंडक्टर जो कॉइल था उसको भी चेंज किया है। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाया है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का और जो इंडक्टर कॉइल है वो 15 ओम का। तो चलिए अब इस सर्किट को टेस्ट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर इस डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर को चलाने के लिए एक USB कनेक्टर सेट कर दिया है जो कि मेरे इस 4 वोल्ट आउटपुट देने वाला स्पेशल पावर बैंक पे फिट हो जाएगा। आप चाहे तो बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए इस सर्किट को कनेक्ट करके देख लेते हैं 4 वोल्ट पे। पहले आप इस सर्किट का इनपुट वोल्टेज देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 3.9 वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए अब इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चेक करके देखते हैं। देखिए आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है 19.2 वोल्ट और इनपुट वोल्ट है 3.9 वोल्ट। फिर से आउटपुट वोल्टेज देख लीजिए, देखिए 19.2 वोल्ट। तो ये सर्किट अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हैं तो इस सर्किट का सर्किट डायग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सर्किट डायग्राम लिंक देख सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस सर्किट को अच्छे से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 पीसेस 3 वोल्ट एलईडी को सीरीज में कनेक्ट किया है एज ए 12 वोल्ट एलईडी। तो पहले मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बैटरी से ग्लो करने का कोशिश किया, लेकिन नहीं ग्लो कर रहा है। तो चलिए आप आउटपुट पे चेक करके देखते हैं, देखिए अच्छे से काम कर रहा है, देखिए अच्छे से जल रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट पे लिखिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।